हेलो एवरीवन फाइनली वो घड़ी आ गई जब इंस्टीट्यूट ने एक साल बीस दिन बाद फाइनली uh, सीए की एग्जाम्स कंडक्ट करा दी तो आफ्टर थ्री हंड्रेड एंड एटी सिक्स डेज फाइनली वी हैव दे सीए एग्जाम्स डन नाउ द बिगर क्वेश्चन टुडे वाज़ नॉट हाउ वाज़ द पेपर द क्वेश्चन वाज़ वेदर द वॉज अ पेपर हेल्ड सो फाइनली वो सारी अटकलें खत्म हो गई हैं और एग्जाम्स हो गई है आई होप दैट आप सब ने अपनी एग्जाम सेफली और यू केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स विद द पेपर क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स का पेपर जो मैंने देखा रिव्यू किया आई एम श्योर एक ही सेट आया होगा आई पर्टिकुलरली थॉट दैट वॉज अ पेपर वेर यू कुड हैव स्कोर्ड अ हंड्रेड ऑन हंड्रेड एनीवेज इट्स ऑलवेज टू एनालाइज एज एन एक्सटर्नल पर्सन इट्स ऑलवेज टू एनालाइज एज अ फैकल्टी इट्स ऑलवेज ईजी टू एनालाइज सिटिंग एट यूर होम और योर स्टूडियो

नवंबर 2020 का हमारा कुछ इस तरह का चलिए पीले कलर में दिखने वाला ये पेपर कैसा था तो कई लोगों ने अपने कमेंट्स देना शुरू कर दिए हैं और कई लोग पूछना शुरू कर चुके हैं पेपर कैसा था वीना से इज सुपर ईजी आरची सेट्स ग्रेट ओके वीना अगेन सेट वाज अ वेरी लेंदी बट एक्सट्रीमली इजी आई वुड से कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा थे दैट इज वाई सेट कि ये थोड़ा सा लेंदी आपको लगा होगा बट पर से आई थिंक दैट इज अ डैम ईजी डूएबल पेपर वेटेज uh, कैसा रहा तो दे वो लॉड ऑफ क्वेश्चन ऑफ़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन फैक्ट कंपलसरी क्वेश्चन भी आया दे वो गुड बिट ऑफ क्वेश्चन ऑन कंसॉलिडेशन और जैसा कि मुझे लग रहा था इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी टेलीग्राम के ऊपर एक एबीसी क्लासिफिकेशन दिया था और उसमें स्पेसिफिकली एड मेंशन वन पर्टिकुलर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इंडेज सेवन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस मैंने कहा लॉट ऑफ क्वेश्चन इन आर टी पी एंड एम टी पी ऑन कैश्लो है बीनस इन द लास्ट टू ईयर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम इन फैक्ट दिस इज इंपॉर्टेंट दिस टाइम और कैश फ्लो के ऊपर दोस्तों एक क्वेश्चन आया और उसमें बिजनेस एक्विजिशन का एक एडजस्टमेंट था सिमिलर क्वेश्चन उस दह इन थी आरटीपी एमटीपी इनफैक्ट हमने पिछले तीन अटेम्प्ट की आरटीपी जो सॉल्व करी थी और एमटीपी सॉल्व करी थी इन केस अगर आपने वो की होगी तो कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें से थे क्विक ओवरव्यू इफ आई इफेक्टिव ऑसम हुआ है पेपर आधे घंटे जल्दी बाहर निकल गया बहुत बढ़िया मैक्सिमम स्टडी मटेरियल से आया था सब काम हो जाता दोस्तों देखो कहाँ से आया कहीं से आया अपने को एक चीज़ से मतलब है पेपर बढ़िया जाना चाहिए और बढ़िया आया यह स्टडी मटीरियल एम टी पी आर टी भी मिला के आया क्या सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे नहीं सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए थे लेकिन फिगर्स सब जगह डिफरेंट थे ये एकदम तय है एक दो तो क्वेश्चन कुछ नए आए थे और सर हाँ एक बड़ा सवाल का जवाब तो आपने दिया ही नहीं किया इस बार भी पेपर में कुछ गलतियाँ थी जिन्होंने पेपर दिया है तीस सेकेंड तो मैं ले सकता हूँ आपके जिन्होंने पेपर दिया है वो लोग बताइए क्या पेपर में गलतियाँ थी मेरा टेलीग्राम का चैनल भी मैं खोल लेता हूँ और यहाँ भी देखता हूँ कोई फीडबैक शीडबैक स्टूडेंट्स दे रहे हैं क्या पेपर के ऊपर एंड ओके uh, okay, बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं uh, लोग पूछ रहे हैं इनफैक्ट पेपर के साथ साथ दे आर ऑल्सो आस्किंग कि मैनेजमेंट कैसा था एंड ऑल दैट स्टफ सो ओल्ड कोर्स का क्या रिव्यू होगा तो आई विल शेयर दैट सेपरेटली द पेपर विथ यू और ये टेलीग्राम चैनल में मैं पेपर भी शेयर कर दूंगा बट येस क्या कहीं कुछ गलत था प्रशांत कह रहा है कि हाँ था ओल्ड पेपर वालों का बाद में रिव्यू लेंगे अभी न्यू कोर्स पे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं चलिए तो वेदर दे वज एनी थिंग विच वज रॉन्ग सो दे वज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन था जिसमें मेरे हिसाब से एक एरर थी जिसके पाँच छः मार्क का जितने का वो क्वेश्चन था बोनस में मिलना चाहिए नहीं एक एक करके सारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्या हम डिटेल में सारे क्वेश्चन के आंसर्स निकाल के दे देंगे तो आई डोंट हैव यू नो आई एम श्योर आई हैव बट यू डोंट हैव थ्री आवर्स टू स्पेंड विद मी हियर सो डेफिनेटली वी आर नॉट टेकिंग द आंसर बट आई टिपिकली बी जस्ट क्विकली टेकिंग आउट द क्वेश्चन वॉज कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए था और उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो उसको कवर ले फटाफट फड़ कवर कर लेंगे चलिए कई लोग कह रहे हैं मैनेजमेंट अच्छा था दैट इज गुड कईयों ने कहा है तीस मिनट पहले पेपर सॉल्व हो गया है प्रॉफिट डिट्रीब्यूटबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दिया गया था ना कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ठीक है ऐसी क्लेरिकल मिस्टेक्स तो आईसीआई में हमको देखना ही नहीं चाहिए था ओल्ड का पेपर टफ था ऐसा राहुल गुप्ता कह रहे हैं शायद इसलिए अटेम्प्ट उन्होंने और बढ़ा दिया पता नहीं लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन सबसे पहले

फर्स्ट अप्रैल 2020 इनफैक्ट ये क्वेश्चन 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी का था और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक हाउसिंग लोन एम्प्लॉय को 6 परसेंट पे एडवांस किया है पहली लाइन से ही समझ में आ गया कि यह कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया लोन है क्या हुआ है क्वेश्चन में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली मैंशन किया गया दस परसेंट है और हमने इसको एम्प्लॉय को छः पे दिया है पांच इक्वल इंस्टॉलमेंट जो कि एनुअल इंस्टॉलमेंट है विद इंटरेस्ट पे करेगा ऐसे क्वेश्चन में हम नॉर्मली इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट नहीं निकालते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालते हैं जिसका मतलब पंद्रह लाख डिवाइड बाय फाइव थ्री लाख प्लस हर साल का जो भी इंटरेस्ट होगा सिक्स परसेंट पंद्रह लाख नब्बे पहले साल में और फिर हर साल कम होते जाएगा ये आपके एक्चुअल कैश आउटफ्लोज आ जाएंगे मार्केट रेट से आप फ्यूचर कैश आउटफ्लोज को डिस्काउंट करोगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू पंद्रह लाख से कम आएगी लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट सेइंग इतनी आएगी बट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वो बारह लाख ,00 आती है तो डिफरेंस जो पंद्रह और बारह लाख ,00 का उसका क्या होगा तो कंपनी जिसने लोन दिया है वो अपनी बुक्स में फाइनेंशियल असेट बारह लाख का रिकॉर्ड करेगी और बारह लाख ,00 का फाइनेंशियल असेट इज़ नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू बारह लाख नहीं है आई एम जस्ट रैंडमली सेइंग मैंने सॉल्व नहीं किया इसको कैलकुलेटर पर But, जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी हम उस प्रेजेंट वैल्यू पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड करेंगे उसके ऊपर टेन परसेंट इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे पंद्रह लाख और बारह लाख का जो डिफरेंस है उसकी अकाउंटिंग क्या होगी वो पूरा फॉर शॉर्ट इमीजिए पी में चले जाएगा द रीजन फॉर ट्रांसफरिंग इट टू पी इज सिंपली दैट इस क्वेश्चन में साफ साफ इन्होंने दिया है कि एम्प्लाई को इसके बदले में कोई स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है अगर होती तो फिर हम इसे डेफर करते ओवर द पीरियड जितने समय तक उसको सर्विस परफॉर्म करना होती चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला पार्ट भी हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है सो स्पेस इंडिया लिमिटेड का क्वेश्चन फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी नेट प्रॉफिट अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स दिया गया है जो किसी ने पॉइंट आउट किया ये इक्विटी नहीं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होना चाहिए था बहुत बढ़िया बट नेवरलेस हम मान लेंगे वही है नाइन्टी थाउजेंड एक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं और फेयर वैल्यू आपको शेयर्स की दी हुई है एकदम बेसिक डाइल्यूटेड ई पी एस विद मल्टीपल पोटेंशियल ऑर्डनरी शेयर्स का क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन ओल्ड कोर्स के ई पी एस में बहुत सारे देखे गए थे वहीं से कॉपी करके ये क्वेश्चन बनाया गया है और आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो आपको यहाँ पे प्रमैली क्या दिया गया एक ऑप्शन दिया गया और कन्वर्टल प्रिफ्रेंश है और एक कन्वर्टल डिवेंचर है कई सारे क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं इसी तरह के जिसमें ये तीन होते हैं इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी ऐसे क्वेश्चन है ऑप्शन सेवेंटी फाइव फेयर वैल्यू नाइनटीन तो फिफ्टीन बाई नाइनटी इंटू नाइन हंड्रेड ये आपके डायलोटिव पोटेंशियल ऑर्डनरी शेयर है डिनोमिनेटर में सबसे पहले आप ऐड कर दोगे कन्वर्टेबल प्रिफ्रेंस शेयर और डिवेंचर्स में आप निकाल लोगे कि किसकी रैंकिंग डायल्यूशन की, की ज़्यादा है उससे पहले डायलूशन चेक करोगे बाद में दूसरे से कोई एंटी डायलोटिव आएगा तो उसे इग्नोर कर दोगे यहाँ पे क्वेश्चन में कॉपोरेट डिविडेंड टैक्स रेट दिया हुआ आठ परसेंट इंटरेस्टिंग ये होगा कि यहाँ पे बोला हुआ है सेवेंटी फाइव हंड्रेड शेयर एन टू क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ नाइन पर शेयर है एंड कन्वर्टेबल टू टू इक्विटी शेयर है तो इफेक्टिवली सेवेंटी फाइव हंड्रेड शेयर इंटू नाइन रुपीजी का आपका डिविडेंड होगा इसके ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी आपकी सेविंग्स में ऐड होगा तो क्योंकि आपको यहाँ नेट प्रॉफिट दिया है तो बेसिक बी निकालते समय पहले आप इसका डिविडेंड माइनस करोगे और सवाल ये उठता है कि डिविडेंड में टैक्स कितना लेंगे सेवेंटी फाइव हंड्रेड इंटू नाइन इंटू एट या सेवेंटी फाइव हंड्रेड इंटू नाइन इन एट अपॉन नाइनटी टू क्योंकि हमें ग्रॉस अप करना पड़ता है यहाँ पे आपको एक एग्जाम लगाना पड़ेगा यूजुअली इंस्टीट्यूट क्वेश्चन सॉल्व करता है तो आठ बटे सौ कर देता है एक्चुअल में एट बाई नाइन्टी टू होना चाहिए लेट्स सी इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर में क्या देगा मेरे हिसाब से ऑल्टनेट आंसर यहाँ पे देना चाहिए ईपीएस आई ऑल्सो टोल्ड इन माई एनालिसिस दैट ए इंपॉर्टेंटेंट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड उसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एंड वी गॉट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन दिस देन फोर्टीन मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन था सेल्स वॉल्यूम से रिलेटेड बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन था सिमिलर क्वेश्चन उस डर आर टी एम टी इसमें कहा गया है कि हम प्लास्टिक बकेट होलसेल कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं और हम वॉल्यूम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं और अगर आप इतने यूनिट खरीदोगे तो आपकी प्राइस इतनी यूनिट बढ़ते जाएंगे तो प्राइस कम होती जाएगी और आपको दो सिचुएशन दी गई थी एक में कहा गया था कि हम आपको ये बता रहे हैं कि कितने कितने परसेंट चांस हैं कि कितना कितना वॉल्यूम कस्टमर खरीदेगा और आप एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज कर लीजिए इनफैक्ट वेटेड एवरेज निकाल लीजिए तो ऐसे क्वेश्चन में हम यूजली क्या करते हैं चलिए मैम यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं सॉरी आई एम नॉट रीडिंग द चार्ट्स चार्टिकली जस्ट टू सेव टाइम बिकॉज यू हैव योर पेपर बट मेरे सामने है एकदम थोड़ा थोड़ा दिखते भी जा रहा है मुझे पी डी एफ दे दो दे दो मांग रहे हैं सर बिल्कुल दे दूंगा बस ये स्ट्रीम कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में और अपनी फास्ट की वेबसाइट दोनों जगह शेयर कर दूंगा लेट सी दिस तो क्या करेंगे दोस्तों अपन प्राइस पर यूनिट हमारी नब्बे और हमें ऐसा लग रहा है कि सेल्स वॉल्यूम पंद्रह परसेंट चांस है कि नौ हज़ार यूनिट यानी कि नब्बे की प्राइस होगी तो आप करोगे नाइन थाउजेंड सेल्स वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है नब्बे रुपये की प्राइस है इसके चांस पंद्रह परसेंट है ट्वेंटी एट थाउजेंड एक्सपेक्टेड है वहाँ पे प्राइस एटी रुपीज़ हो जाएगी इसके सेवेंटी फाइव परसेंट चांस है थर्टी सिक्स थाउजेंड एक्सपेक्टेड है टेन परसेंट चांस है सेवेंटी रुपीज़ प्राइस है इन सब का टोटल आप निकाल लोगे तो आपकी वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगी इससे आप वॉल्यूम सेल्स बुक कर दो क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि एक्चुअल सेल जो आपने सोचा था उतनी हुई है तो कोई फर्दर एडजस्टमेंट नहीं होगा इसके पार्ट टू में कहा है कि अगर हम इस मेथड की जगह मोस्ट लाइकली मेथड पे जाते हैं तो फिर मोस्ट लाइकली में तो चांसेस हैं कि ज़्यादा चांस तो ये है कि आपकी सेल एट्टी रुपीज़ पे होगी तो फिर आप अपनी सारी सेल एट्टी रुपीज़ पे बुक करोगे अब इन्होंने पूछा है कि आपको ये भी बताना है जर्नल एंट्रीज़ कैसे होंगी तो जर्नल एंट्रीज ऐसी होंगी कि जो पहले दस यूनिट आप बेचोगे उसमें आपको पैसे मिलेंगे नब्बे लेकिन आप सेल बुक करोगे 80 से और दस रुपए की लाइबिलिटी बुक करोगे और बाद में आपको ऐसे भी उसको रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में वहां पे भी दिया हुआ है कि हमने जो एक्सपेक्टेड सोचा था इतनी सेल होगी एक्चुअल में उतनी ही हुई है तो रेवेन्यू राइट फ्रॉम द बिगनिंग ही एट्टी रुपीज से बुक होगा इस सेकेंड वाले केस में फर्स्ट वाले में जो वेटेड एवरेज प्राइस आ रही है उससे बुक होगा और जो भी एक्सेस रिसीव हो रहा है हमें उसे लाइबिलिटी दिखाएंगे जो आगे हमें रिफंड करना ही पड़ेगा चलिए एवरीथिंग मूव इन फाइन नेक्स्ट आ जाते हैं उसके बाद सर इंटरमीडिएट वाले बच्चों पर भी कृपा कर दो अरे अभी फाइनल वालों पे इंस्टीट्यूट ने कृपा करी है बढ़िया पेपर था चलिए प्रतीक कह रहा है डिस्कस मत करो क्यों डिस्कस कर रहे हो तीस सेकेंड दे दो मुझे समझाने के लिए ए आपका पेपर अच्छा गया है मत देखो आप इसको बंद कर दीजिए आगे वाले पे कंसंट्रेट करें दूसरा कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते रहते हैं पेपर के बारे में कि मेरा कैसा गया कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा माँ जो सोचे थे उतने आएंगे नहीं आएंगे आगे के पेपर दूँ नहीं दूँ नॉर्मली मैंने माना है कि ऐसे स्टूडेंट्स रिव्यू देखने के बाद ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी थी उनके पेपर्स अच्छे जाते हैं वो बस अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और चाहते हैं कि मैं एकदम परफेक्ट करूं और ऐसा प्रैक्टिकली मेरे साथ एक केस हो चुका है पलक अग्रवाल का जिसके ऑडिट में ऑल इंडिया हाइएस्ट मार्क्स आए थे वी हैव ट्वाइस गॉट टॉपर्स इन ऑडिट वन मोहित अग्रवाल 85 मार्क्स आए थे जिसके जी हाँ 85 ऑल इंडिया हाइस्ट 85 फाइव मार्क्स रिसीव हुए थे उसको और उसके बाद पलक अग्रवाल दोनों अग्रवाल थे उसका कॉल आया था पेपर करने के बाद कि मेरा पेपर बिगड़ गया आप सोच सकते हो और डिस्कस करने के बाद जब मुझे उससे डिस्कशन किया तो मालूम पड़ा कि यार शी इज डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स सो वेल एंड शी इज आल्सो फीलिंग कॉन्फिडेंट देन एंड शी कॉन्सेंट्रेटेड वेल ऑन द नेक्स्ट पेपर सो दैट इज वाई दिस रिव्यू इज इंपॉर्टेंट दिस इज द रीजन वैर वी आर डिस्कसिंग इट योर एंड यू हैव द लिबर्टी टू काइंड ऑफ स्किप दिस पर्टिकुलर रिव्यू फॉर द मोमेंट एंड डू इट लेटर हाँ जिनकी अटैम नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी नहीं है और आगे के और समय तो डेफिनेटली देखो क्योंकि आज के दिन की बात अलग ही है सेम डे की न्यूज़ कुछ अलग ही होती है मे 2021 या अगर आप सेकेंड लेग ऑफ नवंबर 2020 एग्जाम में तो बहुत रेलेवेंट है आपके लिए वीडियो आपको देखना ही चाहिए कि पेपर का क्या पैटर्न है चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें एस्टिमेटेड इनकम थर्टी मार्च ट्वेंटी की दी हुई है आपको बोला है सोलह लाख पचास हज़ार मेरी इनकम है जिसमें चार लाख कैपिटल गेन की है और आपको टैक्स रेट दिए गए स्लैब रेट से याद करना एम में क्वेश्चन आया था आटी में आया था मैंने हर जगह आपको बताया था स्लैब रेट्स हों तो वेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट निकालते हैं जी हाँ तो यहाँ पे आप क्या करो कैपिटल क्य गेन के चार लाख को अलग कर दो तो ये कितना बचेगा लाख या टोटल हो जाएगा ट्वेल्ल पॉइंट फाइव जीरो लाख साढ़े बारह लाख पे आपके फर्स्ट टू पॉइंट फाइव लाख पे ट्वेंटी परसेंट यानी फिफ्टी थाउजेंड और बचे हुए पे थर्टी परसेंट यानी थ्री लाख यानी थ्री पॉइंट फाइव लाख अपॉन साढ़े लाख ये आपका वेटेड एवरेज Effective tax rate आएगा और इसी tax rate से आपको quarter one, quarter two, quarter three में दो लाख और बचे हुए चार लाख पे जो capital gain के ऊपर का रेट है वो और आखरी में तीन लाख के ऊपर वो वेटेड एवरेज रेट से आपको टैक्स एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा इंडिया फोर का ये क्वेश्चन था चलिए अगले पे आ जाए दोस्तों ओके दिस वॉज रिस्पेक्ट टू ऊपर भी सवाल आना ही चाहिए था और ये सेल और लीज बैक का क्वेश्चन था और मज़ेदार क्वेश्चन था क्योंकि इसमें सेल और लीज बैक एट अबव मार्केट प्राइस हुआ था यहाँ पे वीनस हमारे सेलर हैं जिन्होंने अपनी एसेट बेची किसको बेची मार्क्स को चलिए तो हमने पहले सुना था वुमेन आर फ्रॉम मीमस एंड मेन आर फ्रॉम मार्स और यहाँ पे वो वीनस और मार्स का क्या बन गया है हमारा क्वेश्चन ही बन गया चलो तो वीनस ने एक बिल्डिंग बेची किसको मार्स को और 28 लाख में और आगे इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि इसकी फेयर वैल्यू 25 लाख थी यानी ये ट्रांजैक्शन अबाउ सेलिंग प्राइस हुआ है और इमीडिएटली उसने इस बिल्डिंग को वापस से अच्छा बुक्स में ये तेरह लाख पे आ रही थी और इसको आपने वापस से लीज पे लिया है और जब वापस से लीज पे लिया है तो ये ऑपरेटिंग लीज पे लिया है तो इन्होंने बोला इंटर्ज इंटू कॉन्ट्रैक्ट विद बायोलेड राइट टू यूज द बिल्डिंग फॉर ट्वेंटी ईयर्स विद एनुअल लीज़ पेमेंट ऑफ टू लाख पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर ओके ऑपरेटिंग है या क्या देखना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन आ सच रहा है ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग बाई सेलर लेस ही ट्रांस सेटिसफाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिटमाइनिंग वन ऑफ परफॉर्मस ऑप्लीकेशनज सेटिसफाइड यानी सेल बुक हो रही है उस एंगल से फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग पच्चीस लाख थी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर कुछ है तो इग्नोर करना है यानी कुछ भी नहीं है इंटरेस्ट रेट इंप्लिसट बारह परसेंट दिया हुआ है जो कि डिटमाइनेब है प्रेजेंट वैल्यू जो लीज पेमेंट के आ रहे हैं बी दो लाख ट्वेंटी ईयर्स वो पंद्रह लाख ही आ रहे हैं जबकि आप देखोगे तो हमारी सेलिंग प्राइज अट्ठाईस लाख है इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ फ्यूचर लीज पेमेंट सब्सटानशली कम है और कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है कि असेट की बिल्डिंग की जो लाइफ है वो बीस साल ही है हमने लीज़ बैक बीस साल के लिए किया है और प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी सेलिंग प्राइस अट्ठाईस लाख है उससे काफ़ी कम है तो शायद ही ऑपरेटिंग लीज़ हो बायर लेसर क्लासीफाइज द लीज़ ऑफ बिल्डिंग एज एन ऑपरेटिंग लीज़ ऐसा इन्होंने कहा भी है हाउ शुड द सेट ट्रांजेक्शन भी अकाउंटेड बाई वीनस लिमिटेड अब वीनस एज सच कौन है लेसी है तो इस केस में क्या होएगा तो ये सिंपल केस हो गया आपका किसका सेलर लेसी का जिसमें सेल एंड लीज बैक हो रहा है तो आप सेल रिकोगनाइज करोगे प्रॉफिट बुक करोगे मार्केट प्राइस तक बुक करोगे उसके ऊपर जो आपको मिला है वो आप उसे सेपरेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानोगे ट्रीटिंग इट एज अ सेपरेट कॉम्पोनेंट जो पेमेंट आप कर रहे हो उसमें से आप अलोकेट करोगे कि कितना जो तीन लाख एक्स्ट्रा मैंने पे किया है ट्वेंटी एट लाख माइनस ट्वेंटी फाइव लाख वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी का रीपेमेंट है और जो 25 लाख का पेमेंट है वो मेरी लीज लाइबिलिटी का रीपेमेंट है तो सेलर लेसी की बुक्स में पहले सेल बुक होगी 25 लाख पे 3 लाख की फाइनेंशियल लाइबिलिटी आएगी बाद में जो 2-2 लाख के पेमेंट होंगे उसको हम अलोकेट करेंगे इसे थ्री टू ट्वेंटी फाइव के रेशियो में और जो हमारा थ्री वाला पोर्शन है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी का रीपेमेंट होगा जो ट्वेंटी फाइव वाला पोर्शन है वो हमारी लीज लाइबिलिटी का रीपेमेंट माना जाएगा मेरे पास क्विकली मैंने यहाँ पे ड्रोन चार्ट आपके लिए बना रखा है इस ड्रोन चार्ट में रेडी करके रखा है सब कुछ आपके लिए क्या तो रेडी रहता है सब अपने पास हमेशा सेल और लीज बैक ट्रांजेक्शन है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं और इसमें आप देख सकते हो यहां अगर मार्केट रेट पर नहीं होती है और सेलिंग प्राइस ज्यादा और लीज रेंटल ज्यादा है तो हम किस तरह से उसे अकाउंट फॉर करते हैं ये उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन चलिए हाँ uh, इंडेस uh, ये इंस्टीट्यूट का बड़ा पसंदीदा स्टैंडर्ड है थर्टी सिक्स छूटता ही नहीं उनसे इम्पेयरमेंट का इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में सो वट दफ डन हियर इज इन्होंने बोला है कि हमारे तीन कैश जनरेटिंग यूनिट है ट्रेन रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रक्स और इसके बाद इन्होंने कहा है कि लैंड और बिल्डिंग इनकी दो कॉरपोरेट सेट्स हैं गुडविल छोडविल कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और उन्होंने कहा है कि लैंड को रीजनेबल बेसिस पे दैट इज़ प्रो रेटा बेसिस पे आप इंडिविजुअल सी में अलोकेट कर सकते हो बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लैंड को आप अलोकेट किस रेशो में करोगे फिफ्टीन हंड्रेड टू टू फाइव जीरो थ्री थ्री डबल जीरो के रेशो में नहीं फिफ्टीन हंड्रेड इंटू टेन टू टू फाइव जीरो इन् ट्वेंटी थ्री थ्री डबल जीरो इंटू ट्वेंटी इस रेशो में क्यों क्योंकि आपकी हाँ जो लाइफ है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्पोरेट असेट्स जिसकी असेट की लाइफ ज़्यादा है कॉरपोरेट असेट उसके साथ उतने पीरियड तक ज़्यादा रहेगा तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इंडिया सजेस्ट करता है कि जब हमें अलोकेट करना है तो हमारे पास अगर कैरिंग अमाउंट और लाइफ दोनों हैं तो हम उसका मल्टीप्लीकेशन लेके वेटेड एवरेज निकालेंगे इनफैक्ट जो वेट्स आएंगे वो वेट्स के बेसिस पर अलोकेट करेंगे तो लैंड का अलोकेशन इस रेशियो में होगा फिर इसके बाद आपको तीनों के इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट दिए हुए हैं इसके बेसिस पे आप इंडिविजुअल इंपेयरमेंट चेक कर लेना अगर कोई इंपेयरमेंट आए तो उसे लैंड और रिस्पेक्टिव सी की एसेट्स में प्रोपोर्शनेटली बुक करोगे और फिर उसके बाद आपके तीन सी प्लस लैंड इनके रिवाइज कैरिंग अमाउंट में आप जोड़ोगे एक बिल्डिंग कॉर्पोरेट एसेट जिसको अलोकेट नहीं कर सकते और कंपेयर करोगे उसको नाइन्टी से यहाँ अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस आता है तो फिर आप उसे फर्दर अलोकेट कर दोगे किसमें में ऑल द असेट्स अलोकेशन में ध्यान रखना है कोई भी असैट को आप इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट से कंपल लेकर नहीं जाएंगे चलिए आशीष बोल रहा है सर अभी तो मैं घर ही नहीं पहुँच जाता हूँ और आपने रिविजन डाल दिया आ, ओके टेलीग्राम पे पेपर अपलोड बस अब भी कर देता हूँ यार मेरे चलिए गांधी से ये आपस में भी पूछ रहे हैं बच्चे कि ओके स्नेहा गांधी बोल रहे हैं कि भैया तू फर्स्ट रो में थी और ये बोल रहे हैं कि चलो अभी पहुँचे आपस में चैटिंग भी शुरू हो गई है स्नेहा बोल रही है

इसकी कस्टमर ने डिज़ाइन और ड्राइंग दी थी यानी कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमने माल बनाया है और वो जो माल हमने बनाया है उसकी हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है कुछ माल हम उसको बेच चुके हैं और हमारी सेल बुक हो चुकी है और डेटर बुक हो चुका है और बंदा सामने वाला क्या हो गया है उस वाइंडिंग में जा चुका है तो अब हम क्या करें तो सिंपल सी बात है दोस्तों इन्वेंट्री ये अब शायद रियलाइजेबल नहीं होगी क्योंकि कस्टमर स्पेसिफिकेशन की इन्वेंट्री पर से अगर कस्टमर नहीं लेगा तो उसका हमारे पास ऑल्टरनेट यूज़ नहीं होगा तो इसकी एन आर वी पर हम इसे लेके आएंगे एन आर वी विल भी कि हम इसको सेल करेंगे तो हम कितनी सेलिंग प्राइस पर पॉसिबली इसको सेल कर सकते हैं दैट्स अबाउट इट हम बोलेंगे कि हम पूरा का पूरा अमाउंट राइट ऑफ कर देंगे इन्वेंट्री लॉस का लेस एनी रियलाइजेबल नेट रियलाइजेबल वैल्यू इफ़ वी हैव डेटर भी अगर हमें लगता है कुछ रियलाइज हो जाएगा तो ठीक है अदरवाइज बचे हुए का प्रोविजन बना देंगे डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था लड्डू एकदम लड्डू जी हाँ नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे और ये फर्स्ट अप्रैल 2019 थाउजेंड नाइनटीन एट परसेंट कन्वर्टेबल लोन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक और क्वेश्चन छह मार्क के लिए दोस्तों आपके लिए नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू कार्गो लिमिटेड एट परसेंट कन्वर्टेबल लोन है और ये रिडीमेबल भी है एज एन ऑप्शन है सामने वाले के पास कि वो चाहे तो शेयर्स ले लें और चाहे तो कैश में कन्वर्ट कर लें बिना कन्वर्जन ऑप्शन के दस परसेंट होता नाइन्टी सिक्स थाउजेंड का इंटरेस्ट पे किया और फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया गया आपको रेशू दोनों की प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है आपको बुलाए लोन नोट को कैसे अकाउंट फॉर करोगे सिंपल कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाली अकाउंटिंग है जो 10 परसेंट मार्केट रेट है उससे आपके एक्चुअल कैश फ्लो उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो वो आपका लोन अमाउंट बचा हुआ इक्विटी कॉम्पोनेंट और आगे इसको ए मेथड से सॉल्व कर दीजिए नेक्स्ट इंडियज वन सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत आपको कहा गया है कि चार सेगमेंट है जिसका रेवेन्यू डेटा दिया हुआ है और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो अनलिमिटेड की और बोला है सेगमेंट सी बहुत ही ग्रोइंग है और आगे एक्सटर्नल सेल्स अच्छी होगी कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल होंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट टेन परसेंट थ्रेश जो होती है उसमें तीन होती है रेवेन्यू प्रॉफिट्स और असेट्स क्योंकि रेवेन्यू दिया है तो हम रेवेन्यू के बेसिस पे ही बुक करेंगे बेस्ड ऑन रेवेन्यू अगर हम देखें तो ट्वेल्व लाख एटी थाउजेंड हम टोटल सेल लेते हैं क्योंकि सेगमेंट रेवेन्यू इंक्लूड्स इंटरनल रेवेन्यू उसका टेन परसेंट होता है वन टू एट वन लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड उसके बेसिस पे सेगमेंट ए और डी रिपोर्टेबल होते हैं अब एक 75% परसेंट की एक्सटर्नल सेल्स की थ्रेशोल्ड चेक करना होती है सिक्स लाख फोर्टी थाउजेंड का अगर मैं 75% परसेंट लेता हूँ तो सिक्स फोर्टी का 75% परसेंट आता है फोर एट्टी और जो सेगमेंट मैंने रिपोर्ट किए इन दोनों की सेल होती है फोर सेवेंटी तो मुझे एक एक्सटर्नल सेगमेंट एक्सटर्नल सेल वाला सेगमेंट और रिपोर्ट करना होगा जहाँ की सेवेंटी फाइव परसेंट की थ्रेश होल्ड में मीट कर सकूँ क्योंकि बोल रहे हैं सी की आगे लग रहा है कि हमें उम्मीद है कि आगे एक्सटर्नल सेल अच्छी होगी तो मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन पे कि वो बी एस सी दोनों में से कोई भी ले सकता है क्योंकि लगता है सी की सेल आगे ज़्यादा होगी तो हम सी को रिकमेंड कर देंगे तो ये पूछा है वन में क्या रिपोर्टेबल होगा और वाई तो ये रीजनिंग आपको ऐड करना पड़ेगी ठीक है चलिए हाँ <laughs>

अब एसोसिएट सब्सिडी में कन्वर्ट होती है तो फिर इसमें क्या होता है तो इसमें जमाने भर के पीसी आपने पे किए हैं तो आप पीसी में क्या क्या ऐड करोगे तो ये क्वेश्चन आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का हो गया इन डेज वन जीरो थ्री या वन वन जीरो जो आपको लगे बोल दो पीसी निकालना है इसमें क्वेश्चन में आखिरकार क्या पूछा गया ट्रांजेक्शन को एनालाइज करो और इसकी अकाउंटिंग एक्विजिशन मेथड की बिजनेस कॉम्बिनेशन की बताइए तो हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पे दिस इज अ ट्रजक्शन वेर एन एसोसिएट एन हैज गॉट कन्वर्टेड इन टू अ सब्सिडी सिंस द एसोसिएट हज गॉट कन्वर्वर्वर्वर्वर्वेटेड इंटू सब्सिडी वी विल हैव टू आइडेंटिफाई द परेज कंसिड्रेशन विच विल बी ए फेयर वैल्यू ऑफ द एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्टी परसेंट विच वी हैव और जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का हमारा कंसॉडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैरिंग अमाउंट एज पर इक्विटी मेथड इंडेज ट्वेंटी एट के अनुसार आ रहा होगा वो और फेयर वैल्यू तो फेयर वैल्यू ज्यादा और ये कम है तो इन दोनों का डिफरेंस प्योर एल में गेन लॉस चली जाएगा इसके अलावा जो सिक्स फाइव परसेंटेंट के लिए हमने जो भी कंसिड्रेशन पे किया है वो सब ऐड हो जाएगा क्या क्या कंसिड्रेशन दिया है क्विकली कैश कंसीडेशन पचास लाख एज इट इज़ जोड़ दो नब्बे हज़ार शेयर दिए जिसकी मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू दस रुपये थी तो इसका नौ लाख और जोड़ दीजिए इन्होंने बोला है कि ये नाइन्टी थाउजेंड शेयर जो हमने दिए ये पी लिमिटेड एक्वायरर की पाँच परसेंट ऑफ इक्विटी है तो रिवर्स एक्विजिशन नहीं है तो एक नोट लगा देंगे कि दिस प्रूज दैट दर इज नो रिवर्स एक्विजिशन एडजस्टमेंट विच इज़ इन वॉल्ड ठीक है <coughs> एफ आर जैसे ऑडिट में भी रिविजन वीडियोज़ आएंगे क्या रौनक हम बिल्कुल आएंगे पी लिमिटेड अग्रीज टू पे एडिशनल कंसिड्रेशन ऑफ फोर लैक इफ क्यूबुलेटिव प्रॉफिट एक्सीड फोटी लैक ओवर द नेक्स्ट टू ईर्यर्यस और इट इज़ कंसिडर्ड इट इज़ नॉट कंसिडर्ड प्रोबेबल यानी चांसेज इसके कम है बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता इंडिया वन जीरो थ्री में कि लाइबिलिटी अगर नॉन प्रोबेबल भी होती है तो भी हम अगर उसको क्योंकि हम बिजनेस एक्विजिशन कर रहे हैं हम फेयर वैल्यू पे वैल्यू करते हैं ऐसे भी ये कंटिनियन कंसडरेशन ही हमेशा फेयर वैल्यू पे मेजर होगा तो टू लाख रुपीज़ और एड हो जाएगा एक्विजीशन रिलेटेड कॉस्ट ध्यान रखना पीसी में ऐड नहीं होगी पी आर एल में खर्चा बुक होगी इससे गुडविल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा लिखना पड़ेगा दिस इज नॉट एडेड टू द परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस एनसीआई की फेयर वैल्यू पाँच लाख है तो ये पाँच लाख पे कंसिडर हो जाएगी थर्टी परसेंट की वैल्यू आपको दी हुई है बैलेंस शीट में इसका कैरिंग अमाउंट आठ लाख था और अभी अठारह लाख है तो दस लाख का आप पी आर एल में प्रॉफिट बुक कर दो और एटीन लाख पीसी में ऐड कर दो आपको आगे बोला हुआ है नेट आइडेंटिफाइबल फोर्टी फाइव लाख के हैं। इससे अब आप टोटल कर लो पीसी प्लस एनसीआई माइनस फोर्टी फाइव लाख गुडविल शुडविल जो आएगी वो निकाल लेना चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों बहुत बढ़िया सर फटाफट सॉल्व हो रहा है ये तो आधी घंटे में पूरा पेपर कर दो क्या <laughs> तो बोल बोल के करना बहुत आसान होता है कभी दिक्कत नहीं होती नेक्स्ट हीरा लिमिटेड डायमंड लिमिटेड का हेड काउंट है अराउंड वन थाउजेंड एम्प्लाईज का नाइनटीन ट्वेंटी में कंपनी की पॉलिसी है कि हम थर्टी फाइव डेज की प्रिविलेज लीव देते हैं पंद्रह दिन की सिक लीव और दस दिन की कैजुअल लीव देते हैं जिसमें से दस दिन की प्रिवलेज लीव और पाँच दिन की सिक लीव कैरी फॉरवर्ड करी जा सकती है अगले साल में पास ट्रेंड के आधार पे 200 सौ एम्प्लॉयी फाइव विल टेक फाइव डेज ऑफ प्रिवेज लीव और टू डेज ऑफ सिक लीव और आठ सौ विल अवेल टेल डेज ऑफ प्रिवेज लीव एंड फाइव डेज ऑफ सिक लीव तो ये हमें लग रहा है अगले साल में लेके जाएंगे तो आपको क्या करना है जितनी लीव कैरी फॉरवर्ड हो रही है उसमें आपको सिर्फ जो एक्सपेक्टेड टू बी कैरीड फॉरवर्ड है सिर्फ उसी का आपको प्रोविजन बनाना होता है सैलरी यहाँ पे अभी तो दिखी नहीं है मुझे नेक्स्ट कंपनी हैज बीन अर्निंग प्रॉफिट इन 2010 1920 में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फोर परसेंट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लेकिन टर्नओवर के कारण लग रहा है साढ़े तीन परसेंट ही करना पड़ेगा और चार हज़ार करोड़ के उसने प्रॉफिट कमाए तो पास ट्रेंड है आपके देने के तो आपके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लीगेशन तो जो एक्सपेक्टेड लाइविलिटी होती बुक करो यानी चार नहीं साढ़े ही बुक करना चाहिए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान है जिसके अंतर्गत आपको डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम है और ये डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंतर्गत

क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ने में कहीं सैलरी तो दिख नहीं रही है तो हमें सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि हम इतनी देरी पर डे बेसिस पर क्या करेंगे प्रोविजन बना देंगे दैट्स अबाउट इट ठीक है दैट इज समथिंग ओनली विच यू हैव टू काइंड ऑफ कम्युनिकेट परफेक्ट नेक्स्ट फाइव बी एन टी टी एक्वायॉर्ड सब्सिडी एन टी टी बी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी समराइज इन्फॉर्मेशन ऑन कंसॉलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इज प्रोवाइडेड टूगेदर विथ सब सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ये दोस्तों क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा कंसॉलीडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है इसमें आपको बुलाया कि ए ने बी को एक्वायर किया और कंसॉलिडेटेड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ऑब्वियसली ए का ही दिया हुआ होगा ये रेवेन्यू एक्सपेंस वगैरह दिए हैं और इसके बाद आपको ये करंट ईयर है ध्यान रखना और ये प्रीवियस ईयर है है ना और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसके बाद कहा गया है सारे शेयर्स एन टी के हमने एक्वायर किए थे थर्टी सेवन थाउजेंड कैश में ये इन्वेस्टिंग आउटफ्लो होगा क्या नहीं इसमें आपको कैश और कैश रिकलेंट एक हज़ार मिला है और ये टोटल थर्टी सेवन थाउजेंड का आपको ब्रेकअप दिया इंक्लूडिंग गुडविल आपको बुलाया कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ ये क्वेश्चन आपके एम में था मैंने आपको एम और आर और मैंने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करी थी स्टूडेंट से कि प्लीज़ इंडे सेवन अच्छे से करके जाना नॉर्मली क्वेश्चन आते नहीं है बट इस बार उम्मीद है मुझे कि आएंगे और ये देख लीजिए आप क्वेश्चन आ ही गया हमारे पास और कितने मार्क्स के लिए गुड एट मार्क्स सो समथिंग सबस्टैंशियल राइट हेलो 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 आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन एक बार बस uh, बता दीजिए मुझे कि uh, <coughs> stream going fine you're able to listen to everything hello 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 challiye navneet you are a confidence booster i am pretty much sure about getting exemption credit will go to you again navneet credit goes to you but thank you for sharing this uh, uh, you know it uh, kind of it gives us some kind of uh, you know not some huge amount of motivation to kind of की प्रोसेस्टिंग चलो रोस्टिंग रेंजेस इज एवरीथिंग इज फाइन कूल तो दोस्तों ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में मैंने आपको स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन इनफैक्ट मैंने स्टूडेंट्स के साथ एक स्ट्राइकर 3.1 शेयर करी थी ऑलमोट 15-20 दिन एक महीने पहले एग्जाम के और मैंने उसमें कई सारे नए क्वेश्चंस जो पिछले तीन चार एम टी में आए थे वो शेयर किए थे स्टूडेंट ने कहा था सर टाइम नहीं मिल रहा है तो मैंने उनके रिविजन भी डाल दिए थे उसमें ये क्वेश्चन था और मैंने कहा था प्लीज़ ध्यान रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज़ क्या कि <laughs> कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर कोई बिजनेस एक्विजिशन हुआ है तो बिजनेस एक्विजिशन के कारण जो जो वर्किंग कैपिटल चेंज हुए हैं उतने हटा के चेंज इन वर्किंग कैपिटल देखना पहला और दूसरा मैंने कहा था कि जो आप पीसी पे करोगे उसे इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो दिखाना पर कितना दिखाना जितना पीसी पे किया है माइनस जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको मिला है उसके आधार पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थर्टी सेवन थाउजेंड रुपीज़ की आपको कैश पीसी पे किया है और एक हज़ार की कैश आपको सामने वाली कंपनी से मिल गई है टारगेट कंपनी की तो आपको थर्टी सिक्स थाउजेंड ही इन्वेस्टिंग आउटफ्लो दिखाना है पहला और एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्वेंट्री दो हज़ार के लिए अब आप देखो चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या हुआ है तो यूजुअली आप देखो सत्रह पांच सौ से पंद्रह हज़ार हो गई इन्वेंट्री तो हम क्या बोलते हैं ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से इनवेंट्री कम हो गई है तो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आउटफ्लो में हम बताते कि ट्वेंटी फाइव हंड्रेड्रेड से करंट असेट कम हुए हैं तो वी विल से दिस इज बेसिकली एन इनफ्लो ऑफ कैश लेकिन आपको अब ऐसा नहीं सोचना है आपको ये सोचना है कि सत्रह हजार पाँच सौ की इन्वेंट्री कितनी हो जाती है अगर दो हज़ार की हमने बिजनेस एक्विजिशन किया तो मेरी इन्वेंट्री उन्नीस पाँच सौ नाइनटीन फाइव हंड्रेड होना चाहिए थी और है फिफ्टीन थाउजेंड दिस मीस फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ की मेरी इवेंट्री सेल हुई है वो मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो में इनफ्लो आएगा बाकी जैसे नॉर्मली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरह से करना होता है तो जितने भी करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी है उसका सिमिलर ट्रीटमेंट होगा रही बात बाकी चीज़ों की क्विकली अगर मैं आपको बता दूँ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिफ्टी का हमने एक्वायर किया तो हमारा पी पी से फिफ्टी फाइव होना था पंद्रह का क्या डिप्रिसिएशन है वो आपको पी में दिख जाएगा डिप्रिसिएशन है तो कोई फ्रेश एक्विजिशन ऑफ असैट नहीं हुआ है इसके अलावा लॉन्ग टर्म डेट एटीन थाउजेंड रुपीज की है तो आप देख लीजिए थर्टी टू टू फिफ्टी थाउजेंड हो गई है फिफ्टी है ये थोड़ा सा रिजोल्यूशन कमजोर है तो इसमें कोई एडिशनल डिफरेंस uh, नहीं हुआ है बाकी जैसे आप नॉर्मल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं आपको बनाना पड़ेगा ओके आई थिंक एवरी थिंग इन फाइन कमेंट्स आ रहे हैं थोड़ा सा टाइम लाए है then, ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं एन टी टी एच होल्ड ट्वेंटी परसेंट इक्विटी इंटरेस्ट इन एन टी टी एस विच इज एन एसोसिएट विच इन टर्न हेज हंड्रेड परसेंट इक्विटी इंटरेस्ट तो एच एस और टी एच पेरेंट नहीं है इनफैक्ट सही मायने में अगर मैं बोलूँ तो एच बेसिकली क्या है इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिव एन टी टी इट इज एन इन्वेस्टिंग एनटीटी और एस इज बेसिकली अ पेरेंट ऑफ टी लिमिटेड इसकी हंड्रेड परसेंट होल्डिंग है और इसकी ट्वेंटी परसेंट होल्डिंग यानी इसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन बोल सकते हो आप चेन होल्डिंग का है बट इसमें एसोसिएट की सब्सिडरी ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कहीं पर भी नहीं है बट आई एम सो हैप्पी टू शेयर और ऐसा सवाल आता है तो मुझे इतनी खुशी होती है क्योंकि ऐसे भी पेपर ये सवाल कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था मैंने ब्रह्मास्त्र अपनी खोली है और ये ब्रह्मास्त्र में देखो आई डोंट थिंक दिस इज कवर्ड एनी इन द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल एनी रेफरेंस बुक एनी पर्टिकुलर प्लेस एक्सेप्ट ब्रह्मास्त्र आई एम नॉट ट्राइंग टू से किया बने कुछ नया किया बट आई एम ट्राइंग टू से कंसेप्चुअली पढ़ने का और होलिस्टिकली पढ़ने का इंपॉर्टेंस समझिए ये देखो दोस्तों सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट हमने ये क्वेश्चन किया था किसके अंदर कंसॉलिडेशन का ये हमारा चैप्टर है जिसको हम सिस्टमेटिकली डिवाइड करते हैं पार्ट्स में और पढ़ते हैं और वहाँ पे जब हम एसोसिएट जॉइंट वेंचर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम अलग अलग केस बनाते हैं कि भैया एसोसिएट में इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल होगा तो क्या होगा इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होंगे तो क्या होंगे सेल होगी एसोसिएट में तो क्या होगा अब ये सब मुझे नहीं बताना है फिर मैंने चेन होल्डिंग पढ़ाया था क्योंकि सब्सिडरी की चेन होल्डिंग तो इंस्टीट्यूट के मटीरियल में है बट वॉट अबाउट चेन होल्डिंग विद रिस्पेक्ट टू जे वी एसोसिएट और वहाँ पर अलग अलग सिचुएशन ली थी कि एसोसिएट जे वी पेरेंट के पास है सब्सिडरी की एसोसिएट जे वी है या एसोसिएट जे वी की जे वी एसोसिएट सब्सिडरी है और ये जो क्वेश्चन इस बार आया है दोस्तों ये क्वेश्चन बेसिकली किसका है सब्सिड्री ऑफ एसोसिएट यानी मेरी एसोसिएट है और उसकी एक सब्सिडी है उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है क्वेश्चन उस डैम सिंपल कुछ भी नहीं था इसमें कहा गया था होल्डिंग की सब्सिड्री नहीं होल्डिंग की एसोसिएट है एस और एस की सब्सिड्री है टी एस के पास हंड्रेड परसेंट शेयर होल्डिंग है टी जिस में जिसमें से उसने इस साल कुछ परसेंटेज होल्डिंग बेचती क्वेश्चन बनाया बहुत बड़ा था पर आप देखो है सिर्फ छः मार्ग का और है ऑलमोस्ट टू पेजेस का और उन्होंने क्या किया अपना कुछ स्टेक बेचा तो उससे एन सी से बड़ी पर पैसे तीन आए तो एक उसने इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स यानी कि इक्विटी में ऐड कर दिया क्योंकि आपको मालूम है जब सब्सिडरी में अगर, अगर अपना स्टेक कम करते हैं और कंट्रोल खत्म नहीं होता है तो उस केस में जो हमें पैसा मिलता है माइनस जितने से एनसीआई बढ़ती है इस डिफरेंस को ट्रांजेक्शन तो इक्विटी पार्टिसिपेंट का गेन मानते हुए रिजर्व में डाल देते हैं अब यहाँ पे एस ने एक तरह से अपना रिजर्व बढ़ाया और एच के लिए एस एसोसिएट है तो एसोसिएट की हम सारे प्रॉफिट ओ और रिजर्व में अपना शेयर लेते हैं तो ये वन थाउजेंड में भी मैं मेरा शेयर कितना है ट्वेंटी परसेंट दो सौ एड कर दूंगा इसका इफेक्ट होगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दो सौ से बढ़ जाएगा और इधर एच यानी कि इन्वेस्टर के अपने रिजर्व टू हंड्रेड से बढ़ जाएंगे उसकी इक्विटी टू हंड्रेड से बढ़ जाएगी बस ये वाला क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करना था चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स थोड़ा सा अपने आप में अगर आप देखोगे तो ये वाले क्वेश्चन में यहाँ हल्की सी एक छोटी सी एरर है नेस लिमिटेड इशू टेन थाउजेंड स्टॉक अप्रिसिएशन दैट राइट दैट वेस्ट इमीजिएटली टू इट्स एम्प्लॉज ऑन एक अप्रैल दो हज़ार सत्रह पहले बोल रहे हैं कि ये इमीजिएटली वेस्ट हो गई फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि इसकी फेयर वैल्यू सौ रुपये उस दिन और आप इसे एक्सरसाइज थर्टी फर्स्ट मार्च तक कर सकते हो और आपको लग रहा है नाइन्टी फोर परसेंट एम्प्लॉय एक साल बाद नाइन्टी वन परसेंट एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे फाइनली जब ये वेस्ट हुई अब ये वेस्ट फाइनली कैसे हो सकती है क्योंकि आप तो बोल रहे थे पहले कि ये पहले ही वेस्ट हो गई है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ओनली एट्टी फाइव परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज एक्सरसाइज द ऑप्शन तो इसको देख के शायद कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये आइडियली ऐसे ड्राफ्ट नहीं होना चाहिए था या तो इन्हें नहीं बोलना चाहिए था कि फाइनली जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज डेट थी तब तक 85 परसेंट लोगों ने ही इसे एक्सरसाइज किया बाक़ियों ने नहीं किया तो शायद हम उस बेसिस पे इसको कर लेते बट अब वैसा दिया नहीं है तो शायद अच्छा आगे इंट्रेंसिक वैल्यू भी कहीं पर भी नहीं दी हुई है सिर्फ फेयर वैल्यू दी हुई है तो आइडियली मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का सही मतलब होना चाहिए था कि ये वेस्ट इमीजिएटली नहीं होगी तीन साल में होगी और हमें लग रहा है कि फर्स्ट ईयर एंड में हमें लग रहा है कि 94 फोर परसेंट एम्प्लॉय तीन साल तक रहेंगे फिर 91 वन परसेंट और फाइनली 85 फाइव परसेंट तो मैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय का वो परसेंटेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकाल के नंबर ऑफ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट इंटू जो फेयर वैल्यू है वो इंटू फर्स्ट ईयर में वन बाय थ्री सेकेंड ईयर में टू बाय थ्री और थर्ड ईयर में थ्री बाय थ्री क्यूमुलेटिव स्टॉक अप्रिसिएशन लाइफ राइट्स लाइबिलिटी के नाम से लाइबिलिटी बुक कर लेता और फॉर द ईयर का डिफरेंस निकाल के एक्सपेंस बुक कर देता

दैट विल नॉट स्टॉप मी फ्राम की आर एस एम का आंसर टीप दो तो सब कुछ सही हो जाएगा एनी वेज ये मेरे थॉट्स थे कुड बी दैट यू नो वी कैन आल्टरनेटिवली ऑल्सो काइंड ऑफ सॉल्व इन टू इट आई 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 नॉट गेट इन टू टू मच डिटेल्स अबाउट इट फॉर द मोमेंट देन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स मार्क का क्वेश्चन है ईदर और का जो लास्ट क्वेश्चन होता है पेरेंट लिमिटेड वापस से एक इंसॉलिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और उसमें टैक्स पोजिशन इंडेस ट्वेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको टैक्स पोजिशन में क्या दिया हुआ है ये बोल रहे हैं कि इसकी होली ऑन सब्सिडी है जिसने 20 लाख का लॉस इन कर किया है अब ये बोल रहे हैं 20 लाख का जो लॉस है इसके ऊपर डीटीए बनाना है या नहीं तो इन्होंने कहा है कि पेरेंट प्रॉफिटेबल है सब्सिडी लॉस मेकिंग है और सब्सिडी के लॉस पेरेंट सेट ऑफ नहीं कर सकता है और सब्सिडी के फोर्सिएबल फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने की उम्मीद नहीं है तो सब्सिडी इस केस में डी नहीं बनाएंगी खत्म सेकेंड वाले पे आ जाते हैं फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन पेरेंट लिमिटेड बोरोड पचास लाख रुपये दी कॉस्ट इनकोड बाई पेरेंट लिमिटेड फॉर अरेंजिंग द बोरिंग वॉज वन लाख रुपीज़ तो पेरेंट ने बोरो किया पचास और एक लाख की उसकी कॉस्ट है तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल लाइबिलिटी इनिशियल रिकोगशन पे कितनी होगी 49 लाख। चलिए बहुत इजी था क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है हाँ ठीक है सर इंटरमीडिएट बताओ ना प्लीज़ इंटरमीडिएट uh, का पेपर तो होने दो चलिए इसके बाद महिपाल टेलीग्राम चैनल में एक्सेस डिनाइड है ओके आई लैव टू चेक विद द टीम तुमने कुछ शैतानी करी होगी चैनल में चलिए इनिशियल रिकग्निशन फोर्टी नाइन लैक्स पर होगा एक्सपेंडिचर इज क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर द अकाउंटिंग ईयर नाइनटीन ट्वेंटी तो इसका मतलब आपके इनिशियल रिकोगनीशन फोर्टी नाइन लाख पे होगा लेकिन टैक्स बेस आपका फिफ्टी लाख पे होगा ये इनिशियल रिकोगनीशन पैरा फिफ्टीन ट्वेंटी फोर के एक्सेप्शन में नहीं आएगा एक लाख का जो डिफरेंस है ये हमारे लिए एक माना जाएगा कि दिस इज बेसिकली अ टाइमिंग इन फैक्ट टेम्पररी डिफरेंस आगे तीन साल के पीरियड के लिए था कोई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेबल नहीं था लोन पे टेन पे और सीधे एक बुलेट पेमेंट होने वाला था सिक्सटी फाइव लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज का तो एक लमसम पेमेंट आपको इतने रुपए का करना था बुलेट पेमेंट अब इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सब कुछ भी नहीं दिया है बस बोला है सीधे इतना पेमेंट कर दो दिस इक्वेट टू इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है टेन ऑन लोन तो देखो ये बोल रहे हैं कि हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो टेन परसेंट है लोन पर अब हम चेक करना चाहेंगे कि ये दस परसेंट सही है क्या अब मुझे एक बात बताओ ये चेक करने के लिए कि रेट सही है कि नहीं है दस परसेंट हमें बेस क्या लेना चाहिए पचास लाख या फोर्टी नाइन लाख ऑब्वियसली बात है फोर्टी नाइन लाख क्यों क्योंकि हमारा कोई भी एक्सपेंस इनिशियल रिकोग्शन पर अगर लोन लेने से रिलेटेड होता है तो हम उसे क्या करते हैं कैश फ्लो से माइनस करके लाइबिलिटी उतने कम से बुक करते हैं तो ये इंटू वन पॉइंट वन इंटू वन पॉइंट वन इंटू वन पॉइंट वन तीन साल बाद पेपर है ट्वेंटी टू में 65219. <coughs> 65219, यानी टेन परसेंट उन्होंने सही निकाला है इनकम टैक्स एक्ट में फर्दर एक्सपेंस ऑफ फिफ्टीन लाख क्लेमेबल फ्रॉम टैक्सेबल इनकम टिल द लोन इज रिपेड तो आप इसी बात है पचास लाख माइनस सिक्सटी फाइव ट्वेंटी वन ये पंद्रह लाख इक्कीस हजार नौ सौ रुपए इनकम टैक्स में एक्सपेंस क्लेम कर लोगे प्लस एक लाख इनकम टैक्स में एक्सपेंस क्लेम कर लोगे अब यहाँ पे आपको करना क्या है तो आइडियली आप क्या करिए सिंपली आपको यहाँ पे इफेक्टिवली आपका एक टेबल बना लेना चाहिए फिनंशियल लाइबिलिटी अमोटाइजेशन टेबल जिसकी ओपनिंग वैल्यू हो जाएगी फोटी नाइन लाख जिसमें आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस टेन परसेंट के हिसाब से आ जाएगा फोर पॉइंट नाइन लाख और इससे आपका क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगा क्योंकि रिपेमेंट कुछ भी नहीं है जो भी इसका टोटल होता है ये तीन साल तक हो जाएगा ये थर्ड ईयर एंड पे आप जो अमाउंट आएगा ये सिक्सटी लाख आ जाएगा यहाँ पे पास में आप टैक्स बेस लिख देना कि आपका टैक्स बेस आज पर टैक्स लॉस क्या है अगर ये खर्चा हमें क्लेमेबल फ्रॉम टैक्सेबल इनकम टिल द लोन इज़ रीपेड इक्वली मिल रहा है हर साल अगर तो फिर अकॉर्डिंगली हम हर साल में टैक्स बेस अकॉर्डिंगली चेंज करते जाएंगे यानी उतना अमाउंट टैक्स बेस में ऐड करते जाएंगे इक्वली डिवाइड करके या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल के अगर करोगे तो अकॉर्डिंगली आपका टैक्स बेस चेंज होगा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट 20 परसेंट एज्यूम किया तो जो भी डिफरेंस आएगा उसका 20 परसेंट का डिटे डिटेल बता देना आपको बोला है कि एज पर एप्लीकेबल इंडेस आपको इसे कैसे अकाउंट फॉर करना है ये भी बोलना है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो पेरेंट ने निकाला है पचास लाख के लोन पे वो एज पर इंडेस है या नहीं है वो इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपने पचास लाख पे दस निकाल दिया अगर वो होता तो गलत होता नेक्स्ट अच्छा ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं था आखिरी में जो होता है ये इसके बाद एक और क्वेश्चन है कंपनी है नेटवर्क 200 करोड़ है मैन्युफैक्चरिंग रबर प्रोडक्ट की है सेल बहुत अफेक्ट हो गई है पेंडेमिक में और उसकी डिटेल्स इस तरह से आपको दी गई है मार्च 2020 जो कि करंट ईयर की एस्टिमेटेड सेल है और ये पिछले तीन साल की सेल है नेट प्रॉफिट और सेल्स आपका टर्नओवर दिया हुआ है अब इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहली चीज़ क्या सी की एप्लीकेबिलिटी आएगी एक वो क्वेश्चन है और दूसरा इसमें यह बोला है कि कंपनी ने पैंडमिक पीरियड में अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत डिस्काउंट पे दिया था और मैनेजमेंट जो डिस्काउंट दिया है उसे सीएसआर का खर्चा मानना चाहता है तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा और ये पूछा है क्या सीएसआर एस एप्लीकेबल है तो सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी की तीन कंडीशन है किसी भी साल में अगर आपका प्रॉफिट पाँच करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाता है तो आप पे सी लगेगा एक बार लग गया तो तीन साल तक लगेगा क्योंकि आपके प्रॉफिट पांच करोड़ से ज्यादा पिछले ही साल में है तो सी आपके ऊपर इस साल एप्लीकेबल होगा पहला आंसर सेकेंड कंपनी ने अपने कंसेशनल रेट पे प्रोडक्ट्स को बेचा है तो कंसेशनल रेट पे अगर प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो क्या इसे सीएसआर एक्सपेंडिचर मानते हैं नहीं साफ साफ दिया हुआ है सी एस आर एक्सपेंडिचर जो आपकी यूजुअल एक्टिविटी है उसे सी एस आर नहीं मानते डिस्काउंट अगर आप दे दो तो फिर उस पर्टिकुलर केस में उसे सी एस आर नहीं मानते सी एस आर ऐसे भी केस में अगर, अगर अपने प्रोडक्ट भी फ्री में देते हैं तो जो अपन डिस्काउंट ऑफर करते हैं सिर्फ उसी को डिस्काउंट एस इन जो कॉस्ट से कम पे देते हैं सिर्फ उसको सी एस आर मानते तो ये सी एस आर एक्सपेंडिचर नहीं होगा इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी पूछा है क्या सी एसर कमिटी बनाने की जरूरत है क्या तो ये मैंने एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली सॉल्व करवाया था जिसमें मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कराया था अभी एम टी पी आर टी पी रिविजन वीडियो में भी डाला था सी एस आर कमिटी क्या बनानी है तो डेफिनेटली अगर सी एस आर की एप्लीकेबिलिटी है तो कमेटी बनाना पड़ेगी आ, अब ये चीज़ और समझ लो मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आंसर चेंज हो सकता है क्योंकि अभी ऐसा नया नियम आ गया है कि पचास लाख तक का ही अगर आपका सी एस आर स्पेंड है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही खर्चा करेंगे सी एस आर कमेटी बनाने की आपको जरूरत नहीं है सी एस आर आपके ऊपर लागू होगा पर इसका इस पर्टिकुलर एग्जाम में कोई रेलिवेंस नहीं है चलिए एन टी टी के इज़ ओन बाय थ्री इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एम एन और सी फोर्टी फोर्टी ट्वेंटी हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है इसमें तीन लोग हैं एम एन और सी ये तीनों मिला के के में होल्डिंग कर रहे हैं चालीस चालीस बीस की एम और एन ने आपस में कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट कर दिया है जॉइंट कंट्रोल ओवर रिलेवेंट एक्टिविटी का और इन्होंने माना है एन टी टी के जॉइंट ऑपरेशन है जॉइंट वेंचर नहीं है इसका मतलब कि हमारा असेट्स और लाइबिलिटी में शेयर है ना कि नेट असेट्स में ठीक है दोस्त सब कुछ ठीक है ना ओके

One one कहता है कि आप जो भी जिनका भी जॉइंट कंट्रोल है उनकी अकाउंटिंग रिस्पेक्टिव इंडे के अनुसार ही करोगे असेट्स और लाइबिलिटी और रेवेन्यू और एक्सपेंस में जितना जितना, जितना उनका शेयर है तो इफेक्टिवली जो अकाउंटिंग पे सी लिमिटेड करेगा वही एम और अनलिमिटेड करेंगे जो जो असेट और लाइबिलिटी में उनका जितना जितना, जितना, जितना रिस्पेक्टिव शेयर है वो अपनी बुक्स में बुक कर लेंगे हाँ एम और अनलिमिटेड का क्योंकि जॉइंट कंट्रोल है तो वन 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 के डिस्कलोजर उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे ये आपको एक्सप्लेन करना है अगला मेजर एयरलाइंस के साथ हमने निगोशिएट किया ठीक है ये क्वेश्चन ऐसा है कि किसी फॉर एग्जाम्पल दर इज अ पर्टिकुलर एयरलाइन मैंने इंडिगो एयरलाइन से बोला है कि भैया मैं आपसे लमसम में टिकट खरीदूंगा और मैं आगे कस्टमर को बेचूंगा तो मेक माई ट्रिप ने लमसम में दस हज़ार टिकट्स खरीद ली अब मैं कस्टमर को बेचता हूँ मैंने ये कहा कि भैया मैंने आपसे टिकट खरीद ली है मैं आगे बेच पाऊँ नहीं बेच पाऊँ आपको चिंता नहीं करना आपको पूरा पैसा मिलेगा टिकट नहीं बिकी तो मेरा लॉस है और मैं आगे कस्टमर को बेचता हूँ और उससे आत्वाद पैसे ले लेता हूँ तो मुझे कोई क्रेडिट रिस्क मेक माई ट्रिप को कोई क्रेडिट रिस्क नहीं इस लॉजिक पे इन्होंने पूछा है कि मेक माई ट्रिप अपने आप में क्या प्रिंसिपल है या एजेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देखा जाए तो प्रिंसिपल हूँ क्यों प्रिंसिपल हूँ क्यों क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई एम ब्योरिंग द रिस्क रिस्क ऑफ वॉट क्रेडिट रिस्क तो मैंने नहीं लिया क्योंकि इनफैक्ट लिया है पर है नहीं मेरे केस में बट द बिगर थिंग इज दैट आई डो नॉट हैव ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स तो मैं एक तरह से प्रिंसिपल हूँ तो इसमें यह भी कहा गया कन्फ्यूज़ करने के लिए कि सर्विसेज देने की ज़िम्मेदारी किसकी है ऑब्वियसली इंडिगो एयरलाइंस के कस्टमर को विच इज़ ठीक तो यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस ही सर्विस दे रहा है हम अल्टीमेटली सिर्फ उसके बिहाफ पे नहीं हम क्या कर रहे हैं उसको परचेस करके रीसेल कर रहे हैं इट्स लाइक अ डीलर एक्टिविटी इस तरह का क्वेश्चन है ओ माई गुडनेस दिस इज योर एफ फॉर पेपर फाइनली दोस्तों एक साल के बाद इंस्टीट्यूट की जो एग्जाम हुई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हमारा न्यू कोर्स का ये पेपर का हमारा क्विक डिस्कशन हुआ और इसके आधार पे मेरे क्या व्यूज हैं जो आपको मैं इस पेपर पे देना चाहूँगा तो आई वुड ऑनेस्टली लाइक टू से

कोई भी इंडेस वन जीरो वन फर्स्ट टाइम अडोप्शन या शेड्यूल थ्री से रिलेटेड सवाल नहीं था इस कारण से आई कुड से कि द पेपर वॉज नॉट रियली वेरी लेंदी बट नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने होने से मे भी शायद किसी को लेंदी लगाओ बट हो सकता है कि किसी को लेंदी लगाए तो उसका बड़ा कारण एक साल बाद वो पेपर दे रहा है ये है राधर देन की मेरे हिसाब से पेपर लेंदी था इंपॉर्टेंस लेवल में देखिए प्रेजेंटेशन शेड्यूल थ्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था जो मुझे लगा था आएगा इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टैक्स बेस्ड क्वेश्चन मैंने देखो ये इंपॉर्टेंट आपको शेयर किया था चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस वेटेज ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप की ही अगर आप देखोगे तो ये पोस्ट है कौन सी तारीख़ की पोस्ट है हाँ अभी की है ये तो आज मैंने बेस्ट ऑफ लक दिया था और ये मैंने कहा था कि यार ये मेरे हिसाब से ये सब जो अपन ने रिविज़न शिविजन की है ये मैंने इस तारीख पर दिया था आपको जो भी तारीख़ है तारीख़ नहीं आ रही है बट आई थिंक दिस वॉज अराउंड लाइक सिक्सटीन नवंबर आ गई तारीख Hmm. और आप देखिए मुझे लग रहा था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टैक्स मुझे लगा था इस बार इंडिया टेन और एट का क्वेश्चन नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन नहीं आया इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट और चेंज इन एस्टिमेट पॉलिसीज फेयर वैल्यू मेजरमेंट आई वॉज एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन बट वी डेंट फाइंड एनी ऑफ दे गवर्नमेंट ग्रांट्स इस बार कुछ भी नहीं आया शेयर बेस्ड पेमेंट पे क्वेश्चन आया मुझे लग रहा था या तो रीप्राइजिंग आएगी या स्टॉक अप्रिसिएशन राइट आएगा स्टॉक अप्रिसिएशन राइट का क्वेश्चन आया फर्स्ट टाइम अडॉप्शन मुझे भी लगा था शायद आ सकता है नहीं आया इस बार क्वेश्चन नाई डिविजन टू का आया इन्वेंट्री यूजअली इंस्टीट्यूट पूछता इस बार नहीं पूछा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मुझे लगता है इंस्टीट्यूट का फेवरेट था नहीं पूछा <coughs> लीजेस डेफिनेटली लग रहा था कि उम्मीद है आएगा ही आएगा और आ गया हालांकि सेल एंड लीज बैक आया बोरिंग कॉस्ट नहीं आया ए इंपेयरमेंट मुझे मालूम था इंस्टीट्यूट पूछता ही है आ गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंटेंजिबल असेट नॉन करंट असेट्स एग्रीकल्चर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं एम्प्लॉय बेनिफिट ए कैटेगरी लग रहा था आएगा आ गया लीव इन कैशमेंट और बोनस की मुझे उम्मीद थी वो आया डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया मुझे डिफाइंड बेनिफिट लग रहा था देन इंडेज थर्टी सेवन एज सच नो स्पेसिफिक क्वेश्चन इनकम टैक्स का आना ही था क्वेश्चन आ गया डी टी ए बेस्ड मुझे उम्मीद थी आएगा वो आ गया टैक्स रेट बेस्ड मुझे क्वेश्चन था वो हालांकि इंडेज थर्टी फोर इंटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आया उसका क्वेश्चन एवरेज टैक्स रेट का दोनों वो क्वेश्चन आ गए फॉन एक्सचेंज रेट के चेंजेस के ऊपर देर वज नो क्वेश्चन डिस्क्लोजर ऑन फाइनेंशियल ओके डिस्क्लोजर तो ठीक है ये हमारा ट्वेंटी फोर नहीं लग रहा था आएगा ई पी एस पे आना ही था आ गया ये देखो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट कंटेंजेंटली इश्यूएबल शेयर इस सबसे रिलेटेड मुझे उम्मीद थी आ सकता है आया रिवर्स एक्विजिशन भी आ सकता था वो नहीं आया ऑपरेटिंग सेगमेंट मुझे लग रहा था रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन का आना चाहिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेफिनेटली आना ही आना चाहिए था वैल्यूएशन uh, मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन उम्मीद थी वैल्यूएशन मेथड से रिलेटेड उसमें खैर सभी आ गया ऐसी फुल लेंथ क्वेश्चन मुझे जरूर उम्मीद थी बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो नहीं हुआ बाकी इन दोनों के ऊपर कुछ भी नहीं सोशल सी एस आर के ऊपर क्वेश्चन उम्मीद थी आ गया एप्लीकेबिलिटी शॉर्टफॉल ऑफ द स्पेंड बेस्ड के ऊपर एग्जैक्टली exactly वही क्वेश्चन आया इसका मतलब दोस्तों एक चीज़ मुझे ये समझ में आई है कि मैंने तो पेपर सेट नहीं किया था तो मुझे काफ़ी कुछ ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो प्रडोमिनेटली अ लॉट ऑफ पेपर विच इज़ कम इज काइंड ऑफ यू नो वॉट वी एक्सपेक्टेड ये कैसे हो गया सर कि आपको कैसे मोरललेस पता पड़ गया क्या चीज़ें उम्मीद हैं आने की ओ माई गॉड यू वो नॉट एबल टू सी दिस आई एम सो सॉरी <coughs> मैंने बता दिया इस दौरान एक बार आप क्विकली चाहें तो देख लीजिए ये जो मैं बता रहा था दैट वाज नॉट अवेलेबल ऑन द स्क्रीन बट नवर ये हमारा देख लीजिए ये मैं आपको बता रहा था एक बार क्विकली बता देता हूँ कि जैसे जैसे चीज़ें हमको लग रही थी कि इंडेस इंटरम फाइनेशियल रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आएगा रेवेन्यू का आएगा फेयर वैल्यू मेजरमेंट कैश फ्लो तो मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि मुझे लग रहा है इस बार आना ही आना है और ये मैंने खैर बोल दिया आप देख लीजिएगा इसमें जो जो चीज़ें मैंने ग्रीन से मार्क करी है ठीक है तो ये मुझे कैसे पता पड़ गया कि यार ये सारे आने वाले हैं मॉरल ये कैसे आ गए ये तो सर कुछ तो है आपके ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों इसका कारण सिर्फ ये है कि आर टी हमने इतनी सॉल्व करी इतनी सारी आर के रिविजन किए आप देखते हो ना तो आपको खुद को समझ में आ जाना चाहिए कि पैटर्न किस तरह का है बस वही पैटर्न है और कुछ भी नहीं है फिर एग्जाम में बस दस बीस मार्क के क्वेश्चन थोड़े इधर उधर के होंगे जो आपकी मेहनत है भयंकर सारी जिसके बेसिस पर आप सॉल्व कर पाओगे और इसके आधार पे आई थिंक एफआर का पेपर हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत हुई है इट विल बी अ स्ट्रेस लिविंग पेपर फॉर मोस्ट ऑफ एस लेट्स प्रिज्यूम एंड एज्यूम की वीव डन इट इनफेक्ट आईम प्रिज्यूमिंग की मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट वेल नेवरलेस कॉन्सन्ट्रेट एंड फोकस ऑन योर नेक्स्ट पेपर माई बेस्ट विशेष यू टू यू फॉर ऑल द नेक्स्ट ऑफ योर पेपर्स ओल्ड कोर्स का पेपर अब मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ विद अ शॉर्ट फीडबैक एनालिसिस ऑन इट बट आई होप ये एनालिसिस आपको काम आएगा एंड दिस विल हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट बेटर ऑन योर नेक्स्ट पेपर रादर दैन डिविएटिंग यू फ्रॉम द नेक्स्ट सेट ऑफ पेपर्स डू शेयर द कमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एनी सजेशनज इम्प्रूवमेंट्स फीडबैक समथिंग विच यू लाइक एनी थिंग विच यू वॉन्ट टू शेयर एंड टॉक अबाउट और अगर आपके कोई डाउट्स उस पेपर से रिलेटेड रहें तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पर आप चैट पर शेयर कर दीजिए एंड देन वी विल भी नाउ फोकसिंग अपॉन दर्डिट रिविजन एंड द ऑडिट पेपर सॉल्विंग थिंग्स एंड आई थिंक एनालिसिस मैंने वो नहीं किया है कि कौन से सब्जेक्ट या किससे कितने मार्क्स का है उसका मैं एक एनालिसिस बना के उसकी थमनेल में उसको ऐड कर दूंगा थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर जॉइनिंग एंड वी कैन सी गुड बिट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट एंड अमन पूछ रहा है जैन एग्जाम सर आपको क्या लगता है टफ़ होगी क्या बहुत ज़्यादा तो <laughs> दोस्त तैयारी कर लो मुझे प्रैक्टिकली लगता है एफ में तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगना चाहिए मेहनत अच्छी कर लोगे तो निकल के तो आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्यूट लेंथी पेपर दे सकता है बाकी हमारे साथ कोई मजाक नहीं कर सकता है चलिए ऑल माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ़ यू एंड सेकेंड लैग ऑफ एग्जाम के लिए मेरे क्या सजेशन्स हैं तो अभी लेट्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस एग्जाम अगले लैग वाले ये सोच लीजिए भैया कि आपको दोनों ग्रुप देना है एक ग्रुप पहले वो डिसाइड कर लो और उसके बाद में देन यू शुड स्टार्ट टेकिंग सम काइंड ऑफ अ मॉक टेस्ट सीरीज़ अगर अभी अब अब तक आपने नहीं ली तो और जहाँ जहाँ पर आपके लूज एंड है एक बार बैठ के निकालो कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी वीक है उसको स्ट्रांगली सजेस्ट कर लीजिए येस ओवरऑल पेपर आसान था मेरे हिसाब से थैंक यू रक्शा फॉर अटेंडिंग दिस एंड गिविंग योर रिगार्ड्स एंड कोई इश्यू है तो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे पर्सनली शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है मैं इश्यू सॉल्व कर सकता हूं तो टेन थाउजेंड प्ले थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस बाय बाय एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नेक्स्ट पेपर्स एंड स्ट्रीम